करता है। काउंट करने का सही फार्मूला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इक्वल टू काउंट फंक्शन। ये होता है किसके लिए? काउंट करने के लिए होता है। और ये बात याद रखने, इसमें सबसे पहचान करने की क्या बात है आपको, जैसे कभी भी फार्मूला पूछ लेता है अगर, तो कोई भी फार्मूला बराबर से ही स्टार्ट होता है एक्सेल में। ये बात मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि फार्मूला स्टार्ट कैसे होता है, तो बराबर से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो सिर्फ एक में ही ऐसा है कि स्टार्ट हो रहा है किससे, बराबर से, बी नंबर वाला। तो इसका सही आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट, वर्कशीट में कौन से फार्मूले लगे हैं, इसे देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल से संबंधित मैं देखता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और सबसे हार्ड मुझे लगता है वही होता है, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, तीनों से पूछते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज किया जाता है? रन कमांड, वैसे मैं आपसे जब बता रहा था अभी डिस्कस किया था जल्दी में ही, जब वर्ड एक्सेल ये सब बता रहा उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। रन कमांड जब आप ओपन करते हो तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कौन कौन सा आप एंटर करोगे, तो रन कमांड में वर्ड ओपन कैसे करेंगे, एक्सेल कैसे ओपन करेंगे, ये सब क्वेश्चन आता है। तो पहले उसके पहले रन कमांड हमें ओपन करना होता है। उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विंडो प्लस आर, एक विंडो की होता है, उसको प्रेस करोगे, आर प्रेस करोगे तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, उसमें डाल के कुछ भी आप ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं, मतलब लोड हो जाते हैं ब्राउजर के भाग के रूप में? संचालित होता है, कहने का मतलब जब आप कोई ब्राउजर डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिक उसके साथ साथ इसमें से कौन सा है जो आप उसके साथ डाउनलोड हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एड ऑन्स। जब आप ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर डाउनलोड करते हो तो उसके साथ ये भी उसमें ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। क्या बोल रहा है? वर्कशीट में जाने के लिए, पिछले मतलब सीट में जाने के लिए तो पेज अप से जाएंगे, और अगले में जाना तो पेज डाउन से जाएंगे कंट्रोल प्लस करके। और जो टैब है ये सेल में जाने के लिए होता है, शिफ्ट प्लस टैब, पिछले अगले में शिफ्ट टैब से ही चले जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है, तो इसका सही आंसर डी नंबर, रियल सिंपल सिंडिकेशन। वैसे आरएसएस भी देखो, आरएसएस बहुत फेमस है ना, आरएसएस क्या होता है? न्यूज फीड के लिए ही होता है, ये लोग बहुत फेमस है इसके बारे में, आरएसएस के बारे में। तो ये आरएसएस मतलब यही होता है, रियल सिंपल सिंडिकेशन, इसके पहले भी डिस्कस किया हूं इसके बारे में, तो याद रखना। आरएसएस भी पूछ सकता है और रियल सिंपल सिंडिकेशन भी पूछ सकता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यही होता है, ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट, 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सिंपल सा ही है, आरबीआई गवर्नर। मैं आपसे बताया था कि एक रुपए का नोट छोड़कर जितने भी करेंसी नोट होते हैं सब पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, और एक रुपए पे वित्त सचिव का होता है, सिर्फ एक रुपए की बात करें तो, अगर बाकी सब जितने नोट होते हैं सब पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब नेक्स्ट, एसएमटीपी का यूज़ क्या है? एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ किस लिए होता है? तो इसमें बोल ही रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ट्रांसफ़र करता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर मेल को भेजता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है, सिंपल सा है ये। अब नेक्स्ट, एंड नोट किस टैब में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस टैब होता है उसमें एंड नोट, फुट नोट, ये दोनों होते हैं, फुट नोट पूछ ले तो भी, एंड नोट पूछ ले तो भी, ये सब रेफरेंसेस में होता है। रेफरेंसेस जाके आप जहाँ पे करना हो एंड नोट फुट नोट ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ईथरनेट किसका उदाहरण है? ईथरनेट होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल होता है ईथरनेट, समझ लो,
जो लोकल एरिया नेटवर्क में उसमें यूज़ किया जाता है ईथरनेट। ठीक है, याद रखने के बाद अब नेक्स्ट, ईमेल में हम वीडियो फाइल नहीं भेज सकते, ये ट्रू है फॉल्स। तो सिंपल सा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम देखो ईमेल में वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स में ईमेल को फेच करने के लिए किया जाता है। फेच मतलब क्या होता है मालूम? फेच मतलब लाना, एक तरह से होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, टू हो जाएगा। लाना मतलब रिसीव करना। तो क्या होता है POP3 क्या होता है? रिसीव करने के लिए सर्वर से हम डाउनलोड किया जाता है POP3 के द्वारा ही। थी बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब नेक्स्ट, रिफ्रेश बटन होम पेज पर रिटर्न करता है, ये ट्रू है फॉल्स? तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि रिफ्रेश बटन हम जिस पर रहेंगे, जैसे किसी भी पेज पर हैं तो उसी को रिफ्रेश कर देता है बस, ना कि होम पेज पर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, रिफ्रेश बटन सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए होता है उसी पेज पर जिस पर आप काम कर रहे हो। अब नेक्स्ट, सभी प्रकार के आए हुए ईमेल आउट बॉक्स फोल्डर में स्टोर होते हैं, ये ट्रू है फॉल्स? तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो भी ईमेल आते हैं वो सब किस में किस फोल्डर में होते हैं स्टोर? इनबॉक्स में होते हैं, ना कि आउट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईमेल से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट, MS PowerPoint में हम न्यूनतम 50% तक जूम कर सकते हैं, ये ट्रू है फॉल्स? तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 50% नहीं बल्कि न्यूनतम हम 10% तक जूम कर सकते हैं किस में? PowerPoint में। सिर्फ PowerPoint में नहीं, वर्ड, एक्सेल, PowerPoint तीनों में हम 10% तक न्यूनतम जूम कर सकते हैं, तीनों में, याद रखना। और अधिकतम पूछ ले तो 500 वर्ड, बाकी दोनों में 400। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट आउटलुक एक्सप्रेस कहलाता है, ये ट्रू है फॉल्स? आउटलुक एक्सप्रेस, तो बिल्कुल सही बात है ये। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, किसका पार्ट है? ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का। आउटलुक क्या होता है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट का। तो ईमेल माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल कंपोनेंट यही होता है आउटलुक एक्सप्रेस, इसको यही बोलते हैं। एकदम सही कह रहा है ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये कभी ना कभी पूछा गया है। अब नेक्स्ट, इंस्टेंट संदेश में, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है, उपयोगकर्ता संदेश को एक कंप्यूटर पर टाइप करता है और वही संदेश उसी समय प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर दिखाई देता है, ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है ये। इंस्टेंट मैसेजिंग जो हम चैट करते हैं कंप्यूटर, इसमें पूछा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कंप्यूटर मोबाइल से। देखो हम जो व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। तो जैसे यहाँ हाय लिखे वहाँ तुरंत दिखता है, तो वही होता है ये इंस्टेंट मैसेजिंग। अब नेक्स्ट, PPT आपको कमेंट रखने की अनुमति देता है। PPT मतलब वही PowerPoint, PowerPoint को PPT होता है उसका। अगर कभी पूछ ले कि PowerPoint का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो PPT होता है, और PPTXV होता है, उसमें XV ऐड कर देते हैं। अभी तो X ही चल रहा है, अगर X हो ऑप्शन में तो कर देना है, दोनों हो तो दोनों आपको उसी हिसाब से करना है, क्योंकि अभी जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है 2013 वर्जन आ गया है ना, तो उसमें PPTX ही होता है, और पहले 2003 में PPT होता था। तो क्या वो कमेंट रखने की अनुमति देता है?